फ्रेंड्स, हम लोग आज एक बॉटल से एक फ्लावर पॉट बनाएंगे, जिसके लिए हमको बॉटल का ये आगे का पोर्शन चाहिए। इसको हम कट करेंगे, ऐसे हमने इसको कट करके अलग कर लिए हैं। अब इसका हम फ्लावर पॉट बनाएंगे। इसको एक हमको एक कप चाहिए। कप का हम पीछे वाला पोर्शन धीमे धीमे कट करेंगे, ऐसे ऐसे सावधानी से कट करेंगे, हाथ बचा के ऐसे सर्कल में काट के इसको हमको निकाल लेना है इसका पोर्शन। अब हम 5x5 का शीट लेंगे स्क्वायर, उसको हम कट करके ऐसे कट करके इसको हम दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड करके कट कर लेंगे इधर, और कट करने के बाद इसको हम पेस्ट करते जाना है। तो इसको एक एक करके हम पेपर लगाएंगे इसके बीच में, इधर को ऐसे इसको हम ऐसे ऐसे करके लगाते जाएंगे, एक इसके बगल में, दो बगल बगल में लगाते जाएंगे ऐसे दबा दबा के, दूसरा, फिर ये हमारा तीसरा, चौथा। अब ये चार हमने लगा दिया, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एक लेयर हम यहाँ पे ग्लू लगा देंगे थोड़ा सा यहाँ पे हल्का हल्का, ताकि हमारा हर लेयर अच्छे से चिपक जाए। तो फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके बाद एक, दो, ऐसे ऐसे गोल गोल सेट करते जाएंगे, तीसरा, चौथा, इसी तरह हम उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा फिर ग्लू लगाएंगे, हल्का हल्का यहाँ पे ग्लू लगाएंगे साइड साइड में, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हो रहा है। फिर इसके आगे फिर चिपकाएंगे सेम वैसे ही, एक, दूसरा, तीसरा, फिर हम इसमें क्राउन में ग्लू लगाएंगे। इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, ग्लू, फिर ग्लू लगाएंगे ऐसे हम एक को कोट करने के बाद में नेक्स्ट कोट के लिए जब हम बनाएंगे पेपर लगाएंगे तो ग्लू लगाते जाएंगे। पकड़ो दो बेटा, फिर इसमें एक ऐसे, दो, इस तरफ देखिए हमारा यहाँ पे रोज बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, धीमे से निकाल देंगे। हमने इस पे इसको यहाँ पे इसमें ऐसे था, इसमें हमने हल्का सा यहाँ प्रेशर दिया और ये हमारा रोज निकल के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद में, हमने जो सुबह प्लास्टिक का ये ग्लास कट किया था, इसको हम यहाँ रोज को इस पर रखेंगे और इसके चारों तरफ इसको इस पर पेपर रैप करेंगे, ताकि हमारा बुके रेडी हो जाए। तो अभी हम पेपर उसके लिए कट करने जा रहे हैं। व्हाइट पेपर में हम क्या करेंगे, व्हाइट पेपर के जगह पे आप लोग टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी कपड़ा भी ले सकते हैं, पतला नेट जैसा, जो भी आपके पास में हो। नेट जैसा कपड़ा लेंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा। इसमें हम ऐसे ऐसे ड्रॉप ड्रॉप कर ले रहे हैं, चाहे तो आप दिल भी बना सकते हैं। इसमें हम रेड कलर से कर ले रहे हैं, थोड़ा सा ये ब्लू से कर ले रहे हैं। इस तरह से हम अपना तीनों पेपर, हमने ऐसे तीन चार पेपर कट किया है, सब में हम ऐसे कर लेंगे। ये कलर से हमने डॉट डॉट कर लिया। अब हम इसको ऐसे आगे पीछे ट्विस्ट करते फोड़े मोड़ेंगे, ऐसे आगे पीछे करके ऐसे हमको तीनों पेपर मोड़ना है। इस पोर्शन में ग्लू लगाएंगे ताकि अच्छे से थोड़ा पकड़ ले। और इसको ऐसे रखे, ऐसे लगाते हुए इसको यहाँ चिपका देंगे,
एक ऐसे लग गया, फिर ऐसे ही दूसरा, ये तीसरा। देखिए हमने इसमें रैप कर दिया है अपना ये पेपर कवर, जो साइड का पेपर था, और हमने नीचे रिबन लगा दिया है, और हमारा ये बुके रेडी हो गया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। आप इसे टीचर्स डे पे अपने टीचर्स को भी दे सकते हैं, या फिर किसी बर्थडे में अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे रोजेस बनाकर, कई रोजेस बना के भी आप बड़े बुके भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वाओ।